मथुरा की तहसील छाता क्षेत्र में प्राचीन कुंडों पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिए जाने को लेकर पीड़ित द्वारा दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ 120 बी के तहत कार्रवाई के आदेश कर दिए गए थे, किंतु आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है, जिसे लेकर पीड़ित छाता क्षेत्र के गांव नरी निवासी हनुमान मंदिर के महंत नारायण दास शास्त्री सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहाँ आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की गुहार लगाते हुए जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम में एक प्राचीन कुंड है जिसे गोप कुंड के नाम से जाना जाता है एवं गांव के कुछ असामाजिक तत्व एवं दबंग लोगों द्वारा प्राचीन कुंड पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। इस संबंध में जब पीड़ित द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया तो लेखपाल द्वारा 5 व्यक्तियों के विरुद्ध 122 बी के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें तहसील छाता द्वारा उक्त व्यक्तियों को भूमि से बेदखल भी कर दिया गया था, जिससे चिढ़कर आरोपी पीड़ित के साथ मारपीट करते रहते हैं, किंतु पुलिस आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाई है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण दास शास्त्री। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम नरी में साहब, एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जो दाऊ जी के मंदिर के समीप है, वहीं रहता हूँ। कौन सा थाना लगता है आप? हमारा थाना छाता लगता है सर। आपका थाना छाता लगता है जी। अच्छा, आज आप DM साहब के यहाँ आए? DM साहब के पास हम कई क्यों आए हैं, क्या मामला है पूरा? हाई कोर्ट का आदेश है साहब कि अधिग्रहित भूमि का मूल्यांकन करते हुए तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाया जाए, और कम से कम 3-4 साल से साहब हम प्रयत्नशील हैं, मुख्यमंत्री को भी 2-2 बार दे दिया, प्रधानमंत्री महोदय को भी 2-2 बार दे दिया, गृह मंत्रालय में भी दे दिया, रजिस्ट्रार डाक के द्वारा पर्यटन मंत्रालय में भी दे दिया साहब, और कहीं से कुछ नहीं होता है। जिलाधिकारी को भी दे दिया, हाथ में SDM को भी दे दिया, छाता को, तहसीलदार को भी दे दिया, इसकी कभी कहीं कोई सुनता नहीं है साहब। अच्छा, DM साहब से लेके SDM साहब तक ने आज तक आपको क्या आश्वासन दिया इस संदर्भ में? हमको ये लोग कहते हैं जाँच करेंगे।